महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के नए गांव इलाके में अंसारी साफिया हाई स्कूल में पढ़ने वाली 14 वर्षीय मुबशिरा बानो की बिल्डिंग से पांचवें फ्लोर से गिरने से मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे स्टेट हेड मुस्तकीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुस्तकीम, कैसे गिरी ये बच्ची, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी मुशर्रफ जी, हम आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे सबसे पहले ये स्कूल की तस्वीरें, जो ठीक हमारे पीछे यहाँ पर स्कूल है, पांचवी मंजिल। इसकी पांचवी मंजिल से बच्ची जो है नीचे गिरी है, और वो बच्ची को क्या ऐसा टॉर्चर किया गया था या उसको क्या ऐसा टेंशन था जो वो बच्ची खुदकुशी करी, या इसमें जो भी रीज़न है, अभी ये पुलिस का जांच का विषय है। अब पुलिस के जांच के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर बच्ची ने आत्महत्या की या कुछ और इसमें बात है। मुस्तकीम, आखिर क्या कारण है इस बच्ची के घटनाक्रम के पीछे? घटनाक्रम पर ही हम मौजूद हैं, और घटनाक्रम यहीं से हुई है, लेकिन अभी तक इसमें पुलिस के तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसको हम दर्शकों को बता सके। मुस्तकीम, लोगों का कहना है कि बच्ची ने आत्महत्या की है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोगों का यही मानना है कि बच्ची ने आत्महत्या की है, ऐसा ही लोगों का कहना है। लेकिन कल हम जब बच्ची के पिताजी से जा कर के मिले, तो उनका कहना है कि बच्ची ने ऐसा कुछ मामला स्कूल के अंदर नहीं हुआ है, वो आखिर कैसे गिर गई ये उनको भी बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उन बच्ची के जो पिताजी हैं वो स्कूल के फेवर में नज़र आ रहे हैं। मुस्तकीम, अगर आपकी स्कूल प्रशासन से बात हुई तो वो क्या कुछ कहते नजर आए इस मामले पर? प्रशासन का ये मानना है कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जब वो स्कूल प्रशासन सीधा अपना इसी तरीके से बात कर रहे हैं, तो अब ये सीधा जांच का विषय है। अब पुलिस जो तस्वीरें दिखाई दे रही है सीसीटीवी की जो कवर हुई है, अब इस पर पुलिस का विषय है। पुलिस अगर जांच करती है, इसमें जो खुलासा होगा वो जरूर जनता के सामने आएगा। शुक्रिया मुस्तकीम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुरादाबाद में सरकारी स्कूलों की शिक्षा का बुरा हाल है, क्योंकि शिक्षक बेलगाम है, शिक्षक लगे रहते हैं स्मार्टफोन चलाने में और तनख्वाह भी बहुत मोटी लेते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नसीम खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नसीम, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को? उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो उसी शिक्षा क्षेत्र में जो शिक्षक हैं अपनी मनमर्जी करते हैं, और स्कूल परिसर में आके पढ़ाने के बजाय अपने स्मार्टफोन में लगे रहते हैं और बच्चे इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं। नसीम, जहां प्रदेश में योगी सरकार है, शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार का ये दावा खोखला साबित होता नजर नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में पैसा खर्च कर रही है, निर्देश दे रही है, लेकिन इन निर्देशों का कहीं भी जिला स्तर के अधिकारी का, कर्मचारी का किसी पे भी कोई असर होता नहीं दिख रहा है। और शिक्षा क्षेत्र में ये कहें कि इस कदर घोर लापरवाही है कि जिसका कोई भी शानी नहीं है। नसीम खान, आपने अगर अधिकारियों से बात की हो तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? हमने इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद से संपर्क किया था, तो उनके कार्यालय से पता चला कि वो लखनऊ किसी मीटिंग में है, उनसे बात नहीं हो पाई, तो हमने खंड शिक्षा अधिकारी का रुख किया, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी भी अपने दफ्तर में मौजूद नहीं मिले। उनका भी यही जवाब आया दफ्तर से कि वो भी लखनऊ ही किसी मीटिंग में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये खड़ा होता है कि यहाँ जिस तरह से कमीशन खोरी का मामला सामने आया है प्राथमिक विद्यालय पैपटपुरा का, जहाँ की ग्राम प्रधान अर्चना देवी ने शिक्षक ललिता गौतम पर आरोप लगाया है कि वो उनके जो कन्वर्जन चार्ज कोस्ट का पैसा, जो मिड डे मील में मिलने वाला खाना होता है, उसमें भी 20% कमीशन मांग रही थी, उन्होंने कमीशन नहीं दिया, तो उन्हें कन्वर्जन चार्ज का चेक काट कर नहीं दिया। और इस बात को लेकर भी बीते मंगलवार को काफ़ी हंगामा स्कूल परिसर में घंटों होता रहा है, जिससे कि बच्चों की जो शिक्षा है वो बिल्कुल चरमरा गई थी। और प्रभाव नसीम, क्या इसकी शिकायत किसी अधिकारियों को नहीं दी गई? ग्राम प्रधान और जो छात्र छात्राएं हैं उनके अभिभावकों माता पिता का साफ कहना है, हम लोगों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी मुरादाबाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद को बीते 7 तारीख को की थी, लेकिन इस पर दोनों अधिकारियों ने अभी तक कोई भी कार्रवाई ऐसी टीचरों पर नहीं की है जो इस तरह का खेल स्कूल परिसर में कर रही हैं। शुक्रिया नसीम, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।